हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दावते दोस्त में। आज हम खजूर के बारे में कुछ ढेर सारी रोचक बातें लेकर आए हैं जिसको आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जो खजूर को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करने जानते हैं और ना ही उसके गुणकारी फ़ायदे जानते हैं। और साथ ही आज इस वीडियो में उसके नुकसान भी बताएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खजूर के बारे में हमें जानना चाहिए अगर हम खजूर खाते हैं, डेट्स खाते हैं या डेट्स नहीं खाते हैं तब भी। तो खजूर खाने का सही समय क्या होता है, कितना दिन में खाना चाहिए, किस तरह से खजूर को खा सकते हैं। मधुर, पौष्टिक, बलवर्धक, श्रम हारक, संतोष दिलाने वाला जो है, पित्तनाशक, वीर्यवर्धक और शीतल गुणों वाला जो है ये खजूर होता है। खजूर और खारक में विटामिन, प्रोटीन, रेसे, कार्बोहाइड्रेट्स और शर्करा होने की वजह से जो है उसे पूर्ण आहार भी कहा जाता है, इसलिए उसे सभी लोग जो है उपवास में उपयोग में लाते हैं। और ताजे हरे खजूर का रायता बनाया जाता है, खजूर की चटनी बनती है, केक और पुडिंग में भी जो है खजूर का उपयोग किया जाता है। छुहाड़ा सूखे मेवे का हिस्सा होता है और खजूर के पत्तों से तो घर, छप्पर, झाड़ू, ब्रश और तमाम तरह के रस्सियाँ और भी जो है इमारतों में जो है इसकी लकड़ियों का जो है उपयोग किया जाता है। तो खजूर जो है अपने आप में ही जो है बहुत ही, एक कहते हैं कि वंडर फ्रूट के रूप में जो है जाना जाता है। और ये ड्राई फ्रूट्स तीन तरह के में आपको दिखेंगे, थोड़े एक पूरा फुल ड्राई दिखता है जिसको हम छुहारा बोलते हैं, और एक गीला वाला होता है और एक मीडियम जो है गीला होता है। तो तीन तरह के बेसिकली जो है ये डेट्स होते हैं। अब देखिए खजूर में जो है पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देती हूँ कि विटामिन ए से जो है शरीर के अंग अच्छी तरह से जो है विकसित होते हैं, तो वो जो है खजूर में पाया जाता है। विटामिन बी जो हृदय के लिए लाभदायी होता है, तो और दिल के जो मांसपेशियों को जो है मजबूती देता है, भूख बढ़ाता है, ये खजूर का काम है। साथ ही जो है विटामिन सी से जो है शरीर के में रोग प्रतिरोधक जो है शक्ति बढ़ती है, और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है वो आपके डेट्स खाने से। तो विटामिन सी का भी जो है सोर्स आप डेट्स को मान सकते हैं और अच्छा रहता है ये खाने के लिए। साथ ही जो है इनको टीबी का रोग है या दुर्बलता है, जो है बल नहीं है, ताकत नहीं है, दुबले पतले से हैं, उनको थोड़ा अच्छा सुडौल दिखना है, तो जो है ये बल प्रदान करने का जो है ये काम करता है। तो इस तरह से जो है खजूर कई तरीके से जो है स्वास्थ्यवर्धक है। साथ ही जो है खजूर जो है धातुवर्धक तथा कफनाशक जो है ये होता है। तो इस तरह से खजूर में बहुत तमाम तरह के जो है पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि खजूर खाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये तो इसके सारे गुण जो बता दिए, साथ ही कई सारे बीमारियों में के लिए ये अच्छा होता है वो बता दिए। अब खजूर खाने के फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए, एनीमिया, जिनको खून की कमी है उसमें ये रामबाण के जैसा काम करता है। गठिया के लिए एक जो है एक उत्तम औषधि के तरह जो है ये काम करता है। और महिलाओं के जो पैर दर्द या कमर दर्द जो होता है उसमें जो है ये आराम देता है। कब्ज की जिनको समस्या है उसमें ये छुटकारा देता है। पाचन की जिनको प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति जिनका कमजोर है, उनका उनके लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। अल्सर, एसिडिटी में जो है राहत देता है खजूर। और शरीर में जो है शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम, मधुर, कहते हैं कि पौष्टिक, बलवर्धक, श्रम हारक और संतोष दिलाने वाला ये खजूर जो है शीतल गुण वाला होता है। सुखाए हुए खजूर को जो है खारक भी कहा जाता है या छुहारा बोल सकते हैं, और खजूरे के सहारे गुण खारक में जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये खजूर खाने के कुछ फ़ायदे थे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। अब देखिए खजूर को खाने का सही समय क्या होता है। खजूर का खाने का समय, ऐसे तो खजूर आप पूरे दिन भी जो है खा सकते हैं, लेकिन सही समय इसका सुबह का समय होता है। खाली पेट आप खजूर का सेवन कीजिए। गर्मियों के दिन में जो है खजूर को पहले 2-4 घंटे पहले सो करके रख दीजिए, ताकि ये गर्म तासीर का होता है, गर्मी में और गर्म हो जाता है, तो आप उस तरह से खाली पेट जो है खजूर का सेवन कर सकते हैं और एक गिलास दूध के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो उससे भी पहले जो है आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। और दिन में 2 से 4 खजूर बहुत सही है, इससे ज़्यादा खजूर खाने से जो है समस्याएं जो हैं हो सकती हैं। उसके बाद से जो है आपको खजूर कई तरीके से खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं, और या तो फिर इसका जूस भी जो है लोग बनाकर पीते हैं, शेक बना के पी सकते हैं, केक में जो है यूज़ करते हैं। तो कई तरीके से जो है आप खजूर को अपने खाने में जो है शामिल कर सकते हैं। साथ ही जो है खजूर किन लोगों को जो है नहीं खाना चाहिए,
तो ये सारी समस्याएं हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जिनका मोटापा से जो परेशान है, उनको खजूर नहीं खाना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी जो है खजूर कम क्वांटिटी में एक दो खा सकती हैं, और खाना भी है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है खजूर के कुछ फ़ायदे थे। और खजूर खाने का सही तरीका आप दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ। गर्मियों में जो है, सर्दियों में तो आप कैसे भी खा सकते हैं, दूध में खजूर को डाल के डेट्स को बॉईल करके आप उसे पी सकते हैं, दूध के साथ ही पी सकते हैं, या खजूर खा के डायरेक्ट बाद में आप दूध पी सकते हैं। कई तरीके से जो है आप खजूर को खा सकते हैं। गर्मियों में जो है उसके पानी में सोख करके या दूध में सोख करके तब आप खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही जो है ये जिनको एलर्जी है या जिनको जो है कहते हैं कि अपचन की समस्या है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको जो है ये खजूर खाने को जो है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, नहीं ही खाना चाहिए। तो इस तरह से खजूर के किनको खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में जो है बता दिया है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सबको जो है पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा थोड़ा सा भी। तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।